आज महिलाओं के जिस रोग की चर्चा करने जा रहा हूं वह है श्वेत पदर यानी ल्यूकोरिया। जे ल्यूकोरिया महिलाओं का की यह व्याधि है। नमस्कार, हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन। और माताओं और बहनों का एक रोग है जो खास करके ये मासिक ऋतु चक्र जो महिलाओं का होता है, ये तो सहज और स्वाभाविक है, जो 12-13 वर्ष से शुरू होकर के ये 45 से 50 वर्ष तक हो सकता है। और इसका अंतराल 28 दिनों का होता है, 3-4 दिनों की अवधि तक ये समस्त चक्र रहा करता है। और लगभग 50 ml जो होता है शराब, रक्त शराब, वो निकलता है। ये स्वाभाविक है, घबराने की बात नहीं है। इसी में अगर आपको वो दर्द अंतिम दिन तक हो तो उसको मोनोजॉय कहते हैं, इसमें स्वास्थ्य गिर जाता है। बाद में भी शराब अगर होता रहता है तो इसको मेट्रोजेरिया कहते हैं। इसके जो स्वाभाविक लक्षण है, आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, देखिए नींद और आलस्य की मात्रा बढ़ जाती है और चक्कर आने लगता है, उष्णता का अनुभव होता है, गर्भाशय में गांठ सी हो जाती है, पित्त दोष का होना और शरीर का तासीर गर्म होना, कभी कभी गर्भपात तक की नौबत आती है। देखिए इसमें होता क्या है, यौनांगों से चिपचिपा द्रव्य और दुर्गंध युक्त द्रव्य निकलता है खास करके। और इसके ये 4 तरह के प्राय होते हैं वल्वर ल्यूकोरिया। अगर श्राव वल्वा नामक अंग से निकल रहा हो तो उसको वल्वर ल्यूकोरिया कहा जाता है। यह प्राय कम उम्र के बच्चियों में होता है। बेंजाइल ल्यूकोरिया, यह सफेद क्रीम के समान गाढ़ा होता है जो तरुणियों में होता है। सर्वाइकल ल्यूकोरिया, कच्चे अंडे सा सफेद उसमें होता है, चिपचिपाहट भी होती है और डोरी नुमा होता है, ये प्राय गर्भकाल में होता है। यूट्राइन ल्यूकोरिया, ये ऊपर की तरह तो होता ही है लेकिन अनुपात में इसकी मात्रा ज्यादा होती है। इसके कारण की ओर अगर हम लोग जाए तो देखिए कारण क्या होता है। एक तो कारण होता है ये अंगों की सफाई ठीक से नहीं होती है। अंगों की सफाई मैंने गुप्तांगों की सफाई जो साफ करने की परंपरा है, ये न सिखाया जाता है न कुछ होता है, इसी कारण से होता है। वंशानुगत भी होता है, बच्चियों में मां को अगर ल्यूकोरिया है तो मां से ये एस्ट्रोजन उसमें चला आता है और वह भी ल्यूकोरिया की शिकार हो जाती है। अब हम इसके निदान की ओर अगर हम चले तो देखते हैं कि बहुत साधारण सी जो चीजें हैं जो हमारे घरों में उपलब्ध हैं, आसपास के बाग बगीचे में, खेत पथार में या आसपास उपलब्ध है, वैसी चीजों को लेके हम आपके इसके इलाज का उपाय तरकीब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। तो पहला है अजमाइन। अजमाइन तो इतना जबरदस्त चीज है कि पेट से लेके अनेक रोगों में, चर्म रोग या और दूसरे रोगों में भी काफी लाभ करता है। तो अजमाइन आधा चम्मच को आप गर्म दूध के साथ दें तो इससे भी आपके इसमें लाभ होगा। दूसरा है अनानास। अनानास का फल आप देखते हैं, अनानास एक ऐसा खट्टा है, उसमें देखिए सारे खट्टे फल एसिडिक होते हैं लेकिन एक अनानास या रसीले फल जो होते हैं उसे अम्लीय माना जाता है, एक अनानास ही ऐसा फल है जिसको अम्लीय नहीं माना गया। तीसरा, उसको आप रस पिलाएं, आपामार्ग जिसको अपने यहां वो चिड़चिड़ी या चिड़चिड़ा कहते हैं, इसके पंचांग का 20 ग्राम का चूर्ण ले लीजिए और भेड़ का बाल उसका भस्म जला के उसको भी 20 ग्राम ले लीजिए। और आप सुनहला गेरू एक सुनहला रंग का आता है, नहीं तो आपके वहां मिल जाएगा पंसारी के यहां, इसको भी 20 ग्राम ले लीजिए। सबको बराबर भाग में आप मिला लीजिए और चूर्ण के साथ, आप गाय के दूध के साथ उसके 1 चम्मच चूर्ण का प्रयोग करें, इससे भी लाभ होगा। लाजवंती,
लाजवंती का पौधा आपने देखा होगा, वो आपका पंचांग ले लीजिए 50 ग्राम, उसको पानी में उसको पीस लीजिए ठंडे पानी में, और उसको गाय के घी के साथ लेने से भी आपके इसमें लाभ होगा। अशोक का प्रयोग भी इसमें किया जाता है और हमारे लिए एक काफी ही रामबाण के समान है। उसके छाल लीजिए 20 ग्राम, उसको 100 ml पानी में आप उबाल लीजिए। जब आप एक चौथाई बचे, एक चौथाई, तो उसमें 100 ml गाय के दूध में फिर से उबालिए और उसके बाद छान के पी जाइए। आम, आम का तो मौसम भी आजकल है, आम जो है इसके साथ साथ रक्त प्रदर में भी वो लाभ करता है, इसकी चर्चा मैं फिर बाद में करूंगा दूसरे वीडियो में। तो देखिए ये है कि इसकी जो गुठली होती है उसके अंदर की जो बीड़ी होती है, उसको गुठली के फोड़िएगा तो अंदर मिलता है, उसको आप पीस के चूर्ण बना लीजिए और 2 चम्मच उसका चूर्ण जो लीजिए वो पीस कर जो आप खिलाइएगा तो आपका देखिएगा कि पेट के आंत में जो कीड़े हैं वो भी मर जाता है और इसमें भी लाभ होता है। गिलोय, अमृता, गुड़िची और क्या क्या नाम से इसको वो पुकारते हैं, तो गिलोय लीजिए, इसको सतावर या सतावरी दोनों मिला के औटिए, औटिए मान लीजिए कि आप 400 ml पानी में लौटिए, जब 100 ml पानी बच जाए तो उसको आप रोगी को पिलाएं और बहुत लाभ करेगा। कमल, कमल का ले लीजिए, उसमें केसर डालिए, मुल्तानी मिट्टी डालिए और इस तीनों के साथ मिश्री का चूर्ण भी दे दीजिए और सब का पाउडर बना लीजिए मिश्री डाल के और उस चूर्ण का 1 चम्मच सुबह शाम प्रयोग कीजिए, आप देखिए इससे भी ठीक हो जाएगा। गुलर, अपने गांव में बहुत गुलर होता है, उसका छाल ले लीजिए, फल भी ले लीजिए, 10 ग्राम 20 ग्राम छाल ले लीजिए, 20 ग्राम फल ले लीजिए और दोनों को पीस करके उस पाउडर को आप शहद के साथ प्रयोग करें, उसे भी लाभ होगा। देखिए हमने एक बात कहा था कि उसकी सफाई बहुत जरूरी है, आइदर आप फिटकरी से उसकी सफाई कीजिए, नहीं तो चूना जल, चूना को आप जब उससे जो जल निकलता है उस जल से पिचकारी लगाइए, उससे भी लाभ होगा। आप देखिए तिल का प्रयोग करते हैं इसके इलाज के लिए, तो तिल में आप सौंठ, पिपली और काली मिर्च मिलाइए और इसका एक पाउडर बना लीजिए, पानी या दूध के साथ इसका प्रयोग कीजिए। नाग केसर, नाग केसर का चूर्ण लीजिए, उसको छाछ के साथ प्रयोग कीजिए। पाकड़, आपके गांव में पाकड़ का गाछ होता है जिसको राम अंजीर भी कहते हैं, इसके छाल का काढ़ा बना लीजिए और उसकी पिचकारी दीजिए उस यौनांग में, खास करके उसमें आप अगर देंगे तो उससे भी लाभ होगा। बबूल, बबूल के छाल का क्वाथ बना के आप पिए भी और उसमें फिटकरी डालकर उसकी पिचकारी दें, उससे सफाई करें। पुनर्नवा और भृंगराज के रस को, रस के साथ आप ले पुनर्नवा को, उससे भी लाभ होगा। बरगद का दूध आप ले लीजिए, एक बतासा लीजिए और बतासे में 5-7 बूंद बरगद का दूध टपका के उसको 2 या 3 बार प्रयोग करें, सब लोग 2-3 बार तो प्रयोग करना ही है। अब सिंघारे के आटे की रोटी भी इसके लिए बड़ा लाभदायक है और ये मोच रस एक होता है, इसमें रसौत के पानी में आप इसको मलकर उसको ले आप मोच रस के साथ, मोच रस को रसौत के पानी में गला दीजिए और उसका लीजिए आपके। इसके अलावा एक विदारी कंद भी इसके लिए बड़ा उपयोगी है, विदारी कंद का चूर्ण ले लीजिए 1 चम्मच और उसको घी के साथ या चावल के माड़ के साथ सुबह शाम लेने से भी आपका बहुत सारा लाभ होगा। आप देख रहे हैं कि बहुत सारा आपको हमने बताया, बहुत सारी चीजें जो कि लाभ करता है, इसका यह मतलब नहीं है कि आप सबका प्रयोग करने लगे। आपको जो आसानी से, खासकर धोने का काम आप कीजिए और खाने का काम आप कीजिए, इसको आप सुविधा अनुसार कीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक बात का ख्याल रखिए कि इसको खत्म होना बहुत जरूरी है। सावधानी रखिए कि यह रोग जब तक ठीक नहीं होगा तब तक आपके कमर में दर्द, बांह में दर्द, ये सब होता रहेगा और दर्द की गोलियां आप खाते रहेंगे, ठीक नहीं होगा जब तक यह ठीक नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपके स्वस्थ होने की कामना तो है ही, मैं विदा लेता हूं।
अगले एपिसोड में फिर से कोई अगली समस्या को दूर करने का उपाय लेकर। धन्यवाद।